जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में। समझेंगे कि आयरन और स्टील बनाने वाली इस कंपनी में और इस तरह के व्यवसाय में ट्रेडिंग करने वाली कंपनी में ये गिरावट क्यों देखने को मिल रही है और इसमें तेजी कब से आएगी, क्योंकि देखेंगे तो जहां पूरी दुनिया भर में जो स्टील है और जो लोहा है उसके प्राइस लगातार आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब स्टील का प्राइस बढ़ रहा है और हम सभी जानते हैं, नॉर्मल सी बात है कि ये जो चीजें हैं, प्रीसियस मेटल्स हैं, इनका दाम लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जब उसके कारोबार में कंपनी काम करती है तो इसके शेयर प्राइस में तेजी क्यों नहीं आ रही है, और खासकर ऐसे माहौल में जब मार्केट में इन दिनों खूब बुलंदी है और आप देखेंगे तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे अभी चल रहा है और हर रोज एक नया आपको हाई बनाते हुए दिख रहा है। तो ऐसे समय में तो कम से कम इस कंपनियों के शेयर के प्राइस ऊपर जाने ही चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जब हम बीएस इंडिया की वेबसाइट पर स्टॉक को कवर करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि स्टॉक में कोई रेड फ्लैग नहीं है, यानी कि जो ईएसएम और जीएसएम की कैटेगरी में होने की वजह से स्टॉक का प्राइस ऑटोमेटिक देखते हैं कि नीचे जाने लगता है, वैसी बात यहाँ पे नहीं है और ना ही इस स्टॉक में लोअर सर्किट आपको लगा है। यानी कि जो सबसे बड़ी एक दुविधा होती है किसी भी पेनी स्टॉक में निवेश करने वाले लोगों के लिए, वो उस दुविधा से तो अभी आप बाहर हैं क्योंकि ये टेंशन इस स्टॉक में नहीं है। यहाँ पे जब आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक में 23 जुलाई को बोर्ड मीटिंग होने जा रही है, जिसमें क्या होगा कि कंपनी के जो क्वार्टर वन के नंबर आने वाले हैं वो कब आएगा इसके बारे में बता दिया जाएगा। और उम्मीद है क्वार्टर वन का जो नंबर आना है काफी मायने रखता है इस बार, क्योंकि ये 2024-25 का देखेंगे तो क्वार्टर वन जो है पहला क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, तो पहला क्वार्टर का नंबर हमेशा मायने रखता है। इसे एक प्रकार समझिए ऐसे कि साल भर के दिशा निर्देश इसी क्वार्टर के नंबर से तय होगी, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। जीजी इंजीनियरिंग में आपका इन्वेस्टमेंट इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि एक छोटा स्टॉक होने के बावजूद स्टॉक समय समय पर कॉर्पोरेट एक्शंस करते रहता है और लगभग हर एक साल ही करता है। कभी इसमें हमने राइट इशू आते हैं, कभी स्टॉक स्प्लिट होता है, कभी बोनस होता है और यहाँ पे डिविडेंड का भी एक डिविडेंड तो खैर यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन डिविडेंड जिस हिसाब से कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शंस होते रहता है डिविडेंड भी हो सकते हैं कि आने वाले समय में आपको डिविडेंड देते हुए कंपनी दिखे, लेकिन बोनस का एक ठीक ठाक इतिहास इस स्टॉक का रहा है बोनस और स्प्लिट का। अब काम की बात करते हैं कि इस स्टॉक का जो टेक्निकल ट्रेंड है वो क्या बोलता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक साल के चार्ट पर आए हैं और एक साल के चार्ट पर आपको स्पष्ट दिखेगा कि प्राइस अभी वैसे तो ओवरऑल देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन चूंकि अभी स्टॉक का प्राइस अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास ठहरा हुआ है, ये सपोर्ट लेवल है और कहीं ना कहीं स्टॉक आपको कंसोलिडेट करते हुए भी आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए उतने डरने और घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि जब स्टॉक ऊपर से आके नीचे कंसोलिडेशन में फंस जाए, नीचे से आके ऊपर कंसोलिडेशन में फंस जाए, तो दोनों ही तरीके से फायदा होता है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ये वही समय होता है जब कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक बाहर निकलता है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, न कि नीचे आता है। यानी कि ये जो अभी स्टॉक का प्राइस आप देख रहे हैं कि इस रेंज में फंसा हुआ है 2 रुपए 20 पैसे से लेकर 2 रुपए के बीच में, इसमें अभी ये आकर थोड़े दिन समय बिताएगा और समय बिता कर जब ये निकलेगा तो ऊपर इतना तो आप मान के चलिए, और जब ऊपर निकलेगा तो कम से कम यहाँ से देखिए ये हायर हाई बनाते हुए चल रहा है, तो इसके डबल ये जाने का दमखम रखता है। तो अभी क्या होगा कि पहले तो इस लेवल को निकालेगा जो 3 रुपए के करीब का लेवल है, क्योंकि यहाँ से ऊपर निकलेगा तो पहला रेजिस्टेंस इसके लिए यही आएगा और इसको निकालने के बाद इजिली ये जो आप लेवल देख रहे हैं जिसमें डबल बताया तो कम से कम 6-7 रुपए तक जाएगा ही जाएगा। और रही बात आपने बहुत मान लीजिए टॉप पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई नया व्यक्ति होगा जो प्राइस को बढ़ते हुए देख के एकदम टॉप पे यहाँ पे बाई किया होगा, तब भी आपको घबराने की बात नहीं, क्योंकि अभी देखिए प्राइस जब इस लेवल के नीचे आएगा 2 रुपए के नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आने से नहीं घबराना है, मान लीजिए इस लेवल के आसपास आ गया 1 रुपए 80 पैसा जो इसके प्रीवियस सपोर्ट है, तब आपको थोड़ा सा घबराने वाली बात होगी, लेकिन इतना नीचे आएगा नहीं। इसलिए आपने किसी भी लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप बैठे रहिए, क्योंकि यहाँ से प्राइस उठना शुरू हुआ था और यहाँ से उठ के इतना जो लंबा हाई बनाया इसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन बनता है और थोड़ा बहुत ये समय बिता के ही यहाँ से फिर प्राइस ऊपर निकलेगा तो और ऊपर जाएगा। तो टेक्निकल ट्रेंड तो इसका मजबूत है और ग्राफ यही बोलता है कि शेयर का प्राइस आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और समय देना होगा। क्वार्टर्स के नंबर देखिए, जिससे अभी क्वार्टर फोर के नंबर आए थे कुछ दिन पहले, मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था, तो इसमें कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस कंपनी का बढ़िया रहा, कंपनी का सेल्स भी अच्छा हुआ और सिर्फ सेल्स ही नहीं कंपनी का यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यह भी पहले जहाँ सिर्फ लाख में प्रॉफिट होता था 54 लाख 75 लाख, पहली बार कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर फोर के नंबर में 5 करोड़ 47 लाख के आसपास हुआ, यानी कि जबरदस्त परफॉर्म कंपनी ने किया है। इसलिए अब उम्मीद की जा रही है कि जो क्वार्टर वन का नंबर आने वाला है उसमें भी सेम तेजी से स्टॉक में दिखने को मिलेगी और ये तेजी देखने को मिली तो उसके बाद शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल यहाँ पे मजबूत हो रहा है और जो फंडामेंटल मजबूत हो रहा है साथ में जो टेक्निकल डाटा है जैसे मैंने आपको ग्राफ बताया, तो
जब फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों मजबूत हो तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। और मैंने यहाँ पे आपको शुरू में क्या बताया कि जो कंपनी काम करती है, काम के बिहाफ पे भी इसके शेयर प्राइस में तेजी आने की उम्मीद हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि प्रीसियस जो मेटल्स हैं, जो स्टील है, लोहा है, उसका प्राइस तो जाना ऊपर ही है। तो जब उस तरह कारोबार में कंपनी काम करती है तो जाहिर सी बात है कि इसका शेयर ऊपर जाएगा। हाँ, लेकिन इसके लिए समय देना होगा, धैर्य रखना होगा। आज आप देखेंगे लॉयड स्टील नाम की जो कंपनी थी, जिसको अब लॉयड्स इंजीनियरिंग लिमिटेड करके जाना जाता है, 2-3 रुपए के आसपास इसका प्राइस था तब मैंने इसको बाई किया था। जब ये इंजीनियरिंग नाम में तब्दील हुआ, ठीक ठाक बेनिफिट हुआ, तब मैंने इसको निकाल दिया। तो इस तरीके से आपको धैर्य रखना होगा, तब आपको बेनिफिट होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी मैंने आपको दी समझ में आ रहा होगा। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।